हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आपको लेकर आया हूँ एडिटोरियल बीपीएससी का अंतिम प्रहार बुक से सीट नंबर 1, जिसमें 10 सेट प्रैक्टिस दिया गया है, आपको सभी डाला जाएगा। तो आप देखते हैं पहला सेट प्रैक्टिस अंतिम प्रहार एडिटोरियल बुक से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आम तौर पर ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में खाली जगह लिपि और भाषा के लिए गए थे। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, ब्राह्मी और प्राकृति के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 नौपसान कालीन बस्तियां, सूची 2 अवस्थिति को सुलेमित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो आपको चयन करना है, तो ए में है सूची 1 और सूची 2 है। तो ए में आपको चिरांद है, तो चिरांद कहाँ है, तो आपको बिहार में है। बी में है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम कहाँ है, तो आपको कश्मीर में, 4 हो जाएगा। सी में कोल्डिहवा है, तो कोल्डिहवा कहाँ है आपको, तो आपको ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। डी में है उतनूर, तो उतनूर कहाँ है आपको, तो आपको उतनूर हो गया आंध्र प्रदेश में। ई में है पिकलीहल, तो पिकलीहल कहाँ है, तो आपको 5 हो जाएगा, कर्नाटक में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1 का 3, B का 4, C का 1, D का 2 और E का 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था, तो परिमाप क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु से संबंधित मानी जाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्य युगीन से संबंधित मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किस अध्याय में आया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वें अध्याय में आया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण ग्रंथों में जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है, इस प्रकार पहली बार, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ए में है जैन धर्म के सिद्धांत के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया, 2 में है अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमग्धी में किया गया, 3 में है 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्रा में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया, 4 में है जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में प्राप्त योगदान दिया, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 2 और 4 आपका कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ए में पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 2 में है पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 3 में पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे,
फोर में पांच शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल तीन और चार आपका सत्य है, तीन और चार आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस चोल शासक ने गंगई कोड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवन का नाम था, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 में सल्तनत कालीन विभाग है, सूची 2 में कार्य है, और कूट के सहायता से इसको चयन करना है। तो ए में है दीवाने बंदगान, तो दीवाने बंदगान क्या होगा, तो दो हो जाएगा दास विभाग। बी में है दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा क्या होगा, तो आपको राजकीय पत्राचार होगा चार। सी में दीवाने अर्च, सी में है दीवाने अर्च, तो दीवाने अर्च क्या होगा, तो आपको सैन्य विभाग हो जाएगा। डी में दीवाने रियासत, रिसालत, तो इसका हो जाएगा थ्री, धार्मिक विभाग होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आपको ए होगा, एक का दो, बी का चार, सी का वन और डी का तीन होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। दो में मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वकाया नवीस कहा जाता था। थ्री में है मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सही उत्तर को चुनना है। तो ए में है विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? दो में है किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज और कवियों का आश्रय प्रदान किया गया था? थ्री में है किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था? डी में है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ई में है गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और एफ में है जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो इसको मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, एक का तीन, बी का चार, सी का वन, डी का दो और ई का छः, एफ का पाँच होगा, पाँच होगा। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उपरोक्त में से कूट को उत्तर चयन करना है। ए में है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित कब किया? तो आपको 1510 में किया। बी में है पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किला कोचीन में स्थापित किया, तो कोचीन में आपको कब किया, तो 1503 में किया। फिर मिलाना है सी, फ्रांसिस डी अल्मेडा को पुर्तगाल क्षेत्र के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया, तो कब बनाया गया गवर्नर, तो आपको 1505 में बनाया गया। डी में है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, तो राजधानी कब बनाया, तो आपको 1530 में बनाया। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, एक का तीन, बी का वन, सी का दो और डी का चार होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, सूची 1 में उत्तर मुगलकालीन राज है, सूची 2 में संस्थापक है, आप सुमिलित कीजिए और दिए गए कूट को सहायता से उत्तर को चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 है तो मिलान करना है। तो ए में आपको, ए में है बंगाल, तो बंगाल में कौन होगा,
तो आपको मुर्शिद कुली खान 3 हो जाएंगे। बी में अवध, तो अवध हो जाएंगे आपका 2 सादत खान या बुरहान उल मुल्क। सी में हैदराबाद, तो इसका हो जाएगा 4 निजाम उल मुल्क। और सी डी में है मैसूर, तो इसका हो जाएगा हैदर अली। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 का 3, B का 2, C का 4, D का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन कर्म काल क्रमा अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर मांग रहा है आपको। ए में है मुर्शिद कुली खान, तो मुर्शिद कुली खान का शासनकाल देखेंगे तो आपको 1700 से लेके 1727 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे किसका, अलीवर्दी खान, तो अलीवर्दी खान का होगा 1740 से आपको 1756 हो जाएगा। 3 में है सरफराज खान, तो इसका हो जाएगा 1739 से 1700 आपको 40 हो जाएगा। 4 में है शाह शुजा, तो शाह शुजा हो जाएगा 1727 से आपको 1739 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 1 का 1432 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिंग फेस घेरे की नीति की प्रेरणता कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फयाजी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाजी शरियतुल्ला के अनुयायी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 1857 को दिया गया मंगल पांडे को फांसी की सजा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन एक और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन करें। कथन ए में है 19वीं शताब्दी की सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण करण हुआ। कारण में है सामाजिक धार्मिक आंदोलन की जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 22 है, आपको इसमें मिलान करना है। एक तरफ राजनीतिक संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष है। तो ए में है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का हो जाएगा 1843, 2 हो जाएगा। बी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा 1851, 3 हो जाएगा। सी में है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो सी का हो जाएगा इसका 1836। और डी में है बॉम्बे एसोसिएशन, तो इसका हो जाएगा 4। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 का 2, B का 3, C का 1, D का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको सूची 1 में विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, सूची 2 में स्थान केंद्र को सुमेलित कीजिए और सहायता कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो ए में है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी हो जाएगा 3, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। बी में है इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस कहाँ हुआ था, तो लंदन में, 2 हो जाएगा। सी में है यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस होगा सिएटल, तो आपको 4 हो जाएगा। डी में है स्वदेशी सेवक गृह, तो इसका हो जाएगा वैकूवर।
पांच हो जाएगा कनाडा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। एक का तीन, बी का दो, सी का चार, डी का पांच, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। दो में बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने अपने इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। तीन में तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका केवल तीन सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया? ए में है बंबई, दो में मद्रास, थ्री में पंजाब, फोर्थ में मध्य प्रांत, फाइव में उड़ीसा, सिक्स में असम। तो कूट के सहायता से आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल एक, दो, चार और पाँच है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, जुलाई 1942 वर्धा में, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। ए में है राजगोपालाचारी फार्मूला, दो में बेवेल योजना, थ्री में शिमला सम्मेलन, फोर में सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का, फाइव में पाकिस्तान दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार, पाँच, एक, दो और तीन होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्योंकि सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है आपको, राजगोपालाचारी फार्मूला आपको जुलाई 1944 में आया था, जुलाई 1944। बेवेल योजना आपको मई 1945। शिमला सम्मेलन तो आपको शिमला सम्मेलन है जून 1945। सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का जो हुआ था, ये आपको कब हुआ था? तो आपको फरवरी 1943 में हुआ था। पांच में पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो पाकिस्तान दिवस आपको 23 मार्च 1943 को मनाया गया, इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 में कैबिनेट मिशन के सदस्य और सूची 2 में उनका पद को सुमेलित करना है और कूट की सहायता से चयन करना है। तो आपको ए में देखना है, तो ए में है आपको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो इसका हो जाएगा भारत सचिव, 1 हो जाएगा। बी में है एवी अलेक्जेंडर, तो एवी अलेक्जेंडर हो जाएगा नौसेना मंत्री, 3 हो जाएगा। सी में है अस्टीफोर्ड क्रिप्स, तो अस्टीफोर्ड क्रिप्स क्या था? तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी होगा। A का 3, C का 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत कथन को चयन करें, असत कथन को चयन करने का रहा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने आपको सरल आकारिक लक्षणों आधारित पादपों के प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम प्रस्तावित अरस्तु ने किया था, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंट नोड होते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, आपको विटामिन और खनिज है, दूसरी तरफ अभावजन रोग और विकार है, तो आपको इसमें मिलान करना है, तो विटामिन ए होगा चिंता दृष्टिकोण, दो में है विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन में बेरी बेरी होता है, थ्री में है विटामिन डी, तो विटामिन डी में रिकेट्स, और चार में है लोहा, तो अरक्ता होगा, तो उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है, तो इसको देखना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको डी, सभी चारों सुमेलित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 34 है, सूची वन और सूची टू दिया गया है, दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है, इसका ए में सूची वन और सूची टू है, ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा आपको क्या होगा, मिलान करना है तो दो हो जाएगा, जीवाणु का विनाश, जीवाणुओं का विनाश, डी में है सलेशमल, तो सलेशमल हो जाएगा आपको चार, आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा, सी में है जठर रस, तो जठर रस हो जाएगा आपको वन, प्रोटीन का विघटन, डी में है पीतरस, तो पीतरस का हो जाएगा थ्री, वसा पाचन में उपयोगी, इस प्रकार इसका राइट आंसर बी होगा, एक का दो, तीन का चार, सी का वन और डी का तीन होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ मानव रोग है, दूसरी तरफ रोग कारक सूक्ष्म जीव है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा, खासरा जीवाणु ए आपका नहीं है। क्योंकि खासरा जो होता है आपको वायरस से होता है जीवाणु से नहीं, आप पूछा नहीं है तो इस प्रकार जीवाणु है, तो इस प्रकार गलत आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विट्रा निषेचन आईवीई के संदर्भ में असत कथन पर चयन करें, तो चयन करने का रहा असत कथन पर चयन करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निषेचन के बाद युग्मनज को एक माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ये आपका असत कथन है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ए में है समसूत्री विभाजन में चार नई कोशिकाएं बनती हैं, दो में है असूत्री विभाजन में दो समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, असत कथन का चयन करें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों आपका कथन असत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन कैल्शियम नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित है, आपका राइट आंसर डी होगा, डी, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी को हार्मोन माना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? ए में है पीयूष ग्रंथि, दो में है थायराइड ग्रंथि, थ्री में है लार ग्रंथि और फोर में है एडीनल ग्रंथि। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, केवल एक, दो और चार होगा आपको सही कूट, अंतःस्रावी ग्रंथि का कूट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिलान करना है। सूची वन में भौतिक राशियां हैं, सूची टू में एसआई मात्रक हैं, आपको मिलान करना है। ए में है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का हो जाएगा दो न्यूटन मीटर हो जाएगा। बी में है यंग गुणांक, तो यंग गुणांक का हो जाएगा आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी में है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का हो जाएगा आपको चार न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। डी में है धारा घनत्व, धारा घनत्व हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको, इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का दो, बी का वन, सी का चार और डी का तीन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोहे के कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहे के अपेक्षी घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची वन और सूची टू दिया गया है, कूट को सही उत्तर को चयन करना है। सूची वन और सूची टू दिया गया, सूची वन में ऊर्जा का रूपांतरण है और सूची टू में युक्ति और प्रक्रम है, तो आपको इसमें मिलाना है। तो ए में है प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत, तो ये होगा आपको सौर सेल। बी में है वैद्युत से ध्वनि, तो वैद्युत से ध्वनि हो जाएगा लाउड स्पीकर थ्री हो जाएगा। सी में है द्रव्यमान से ऊर्जा, तो द्रव्यमान से ऊर्जा हो जाएगा आपको नाभिकीय रिएक्टर। और डी में है रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश, तो इसमें हो जाएगा आपको ईंधन दहन, पाँच हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार मिलाएंगे तो आंसर बी हो जाएगा, एक का चार, बी का तीन, सी का दो और डी का पाँच। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.632 किलो ओम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है दीर्घ दृष्टि दोष के पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। कारण आर में है इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, 1 ओम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। तो आपको कहता है चयन करें, तो ए में है ओडोमीटर, तो ओडियोमीटर जो है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी आपको होगा। बी में है क्रोयोमीटर, तो क्रोयोमीटर होगा निम्न ताप। कहता है गलत को आपको चयन करना है, तो ए आपका सही है, क्रोयोमीटर जो है आपको हो जाएगा निम्न ताप,
तो ए आपका गलत है, बी आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जबकि ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन, ये आपका सही है। डी में है फोनोमीटर, आपको ध्वनि की तीव्रता, ये भी आपका सही है। जबकि आपको क्रोमीटर आपका एक गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची वन में औद्योगिक प्रक्रम और सूची टू में किस उद्योग से संबंधित सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। सूची वन और सूची टू है, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें ए में है भंजन, तो भंजन हो जाएगा आपको पेट्रोल से, दो हो जाएगा। बी में है प्रागलन, तो इसका थ्री हो जाएगा ताम्र। सी में है हाइड्रोजनीकरण, तो हो जाएगा खाद वसा। डी में है वल्कीकरण, तो इसका हो जाएगा वन रबर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक का दो, बी का तीन, सी का चार, डी का वन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिनोफथलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। दो में है सभी अधातुएं अनुनाद रहित होती हैं। थ्री में सभी अधात्विक तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित हैं। सत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका दो होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए में समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। दो में आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, एक और दो दोनों आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में ध्वनि की प्रबलता इसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। दो में ध्वनि की तारत इसके आयाम पर निर्भर करती है। असत कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। दो में रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। थ्री में ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है। सत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दो में है उपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, इक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है इक्वेटोरियल गिनी ने मारवर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। दो में है वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। थ्री में है मारवर्ग वायरस फिलो वायरस परिवार इबोला सहित एक का एक हिस्सा है जिसे पहली बार वर्ष 1961 में पहचाना गया था। चार में है H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सुब्रो में हुई थी। कुट आपको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, केवल
एक कथन गलत है, एक कथन आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, CRISPR-Cas9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में यह जीन संपादन तकनीक है, सेकेंड दो में है CRISPR एक एंजाइम है, थ्री में है Cas9 एक आरएनए अणु है, चार में है डीएनए को काटने का कार्य Cas9 करता है। उपरोक्त कथनों में कितने कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो कथन, दो आपका सत्य है, दो सिर्फ सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, थ्री पेरेंट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है, दो में है जो महिला अंडे की कोशिका दान करती है जैविक माता कहलाती है, सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, केवल एक आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हस्तक्षेप आरएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, दो में है यह लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है, असत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपको असत्य पूछा है तो राइट आपको बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, WEB Web 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रीयकृत है, टू है वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है, सत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न कथनों पर विचार करें। ए में कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है, दो में है मिनिकॉय व मालदीप के मध 9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध 8 डिग्री चैनल है, थ्री में है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.45 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, सत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व कर्म क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती है। आपको बाएं तट से मुख्य सहायक नदी पश्चिम से पूर्व कर्म में, तो आपको राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम राज्य है, तो इसमें आपको राइट आंसर कथा उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 आपका नॉर्वेस्टर उड़ीसा, ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न प्रकार के अणु किस प्रकार के लौह अयस्क के हैं? ए में है इसे अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है, दो में यह पीले रंग का होता है, थ्री में इसे जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, फोर में इसमें 35 से 50% लोहे का अंश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको ए, लिमोनाइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन से जनजातीय समूह प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपको संथाल, मारिया और भील आपको प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 67 है, मिलान करें एल्युमिनियम उद्योग, और सेकेंड में है स्थापना के सहयोग देश। तो आपको 67 में है नालको, तो नालको आपका हो गया फ्रांस के सहयोग से, ए हो जाएगा। बी में है बाल्को, तो बाल्को हो जाएगा सोवियत संघ के सहयोग से, तीन हो जाएगा। सी में इंडोल्को, तो इंडोल्को हो जाएगा आपको कनाडा के सहयोग से, दो हो जाएगा। डी में होगा वेदांता, तो वेदांता किसके सहयोग से हुआ है, तो आपको जर्मनी के सहयोग से हुआ है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक का ए, बी का तीन, सी का दो और डी का चार होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्रीट कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ए में यह सूर्य की वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। दो में यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। थ्री में यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक और तीन आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, आपको सूची वन में जल संधि है, सूची टू में किनको जोड़ता है, आपको इसमें देखना है। तो ए में है ओरोंटो जल संधि, तो ओरोंटो जल संधि है एट्रियाटिक सागर और आयोनियर सागर को जोड़ती है। बी में है टॉरस जल संधि, तो टॉरस जल संधि जो हो जाएगा आरफुला राफुरा सागर और पपुआ खाड़ी को जोड़ती है। थ्री में है बायोस्पोरस जल संधि, तो बायोस्पोरस जल संधि है आपको दो होगा काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। डी में डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि है जो वन होगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपको सी होगा, एक का चार, बी का तीन, सी का दो, डी का वन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। तो आपको ए में है अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखा युग्म का चयन करें, तो आपको वियतनाम तथा चीन हो जाएगा। बी में है 141 पश्चिमी देशांतर रेखा, तो हो जाएगा आपको अलास्का यूएसए तथा कनाडा हो जाएगा। सी में है मैकमोहन रेखा, सोवियत रूस और फिनलैंड हो जाएगा। और डी में हिडन वे रेखा हो जाएगा आपको जर्मनी प्रथम युद्ध के समय निर्धारित रेखा, जर्मनी और पोलैंड की सीमा को निर्धारित करता है। जबकि 70वीं समानांतर रेखा जो है आपको वियतनाम और चीन नहीं होगा, ये हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम हो जाएगा, उत्तरी भी। इस प्रकार आपका युग्म गलत पूछा है, तो राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। घास का मैदान एक तरफ है, एक तरफ अवस्थिति है। ए में है पुस्ताज, तो पुस्ताज का हो जाएगा आपको हंगरी। ये आपका सही है। बी में है केटरबरी उरुग्वे, ये आपका गलत है क्योंकि केटरबरी न्यूजीलैंड होगा। आपको गलत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, निम्नलिखित में कौन रेगिस्तान अफ्रीका में है। आपको अफ्रीका में है, इसका राइट आंसर होगा आपको ए में है कालाहारी रेगिस्तान, दो में अटाकामा मरुस्थल, थ्री में है नाबीब रेगिस्तान और फोर में है सहारा मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल चार, तीन और एक होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। ए में है जॉन मथाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त में सही सुमेलित कौन है? तो आपको डी सही सुमेलित है। दो, आपको लिकायत अली वित्त मंत्री, और थ्री में आसफ अली रेलवे एवं परिवहन आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें आपको कहता है उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपका बोला हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। केवल राज के विधान परिषदों का उत्सादन और सृजन 169 में है, अनुच्छेद में आपका केवल 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा सत कथन का चयन करें। ये में राज की सीमा परिवर्तन का नाम बदलने से पूर्व संसद को राज से अनुमति लेना आवश्यक होता है। दो में उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। तीन में संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो और तीन आपका सत कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 में रीट के प्रकार है, सूची 2 में आधार है। आपको कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। ए में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, तो आपको मिलान करना है। यहाँ तो मिलान करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो आपका हो बंदी प्रत्यक्षीकरण मिलान करना है, तो एक का हो जाएगा आपको 1, विधि के विरुद्ध किसी की हिरासत में रखना। बी में है प्रतिषेध, तो इसका हो जाएगा 4, अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश देना। सी में है परमादेश, तो इसका 2 हो जाएगा, सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना। और डी में अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा 3, लोक कार्यालय को अनाधिकार ग्रहण करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 का ए, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कथन आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है राज के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। कारण आर, संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इसके क्रियान्वय का बाधक होगा। कूट है इसका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको सी। कथन ए नंबर 78 देखेंगे, एक संविधान संशोधन और मुख्य कार्य है। ए में है 61वां संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा 2, मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बी में है 104वां संविधान संशोधन, तो इसमें हो जाएगा आपको 3, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखेंगे सी, 84वां संविधान संशोधन, तो इसमें हो जाएगा आपको 4, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखेंगे डी है 59वां संविधान संशोधन, तो इसका हो जाएगा आपको राइट 1 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आपको हो जाएगा सी, 1 का 2, बी का 3 और सी का 4, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, जब किसी विधेयक या संकल्प की किसी भाग पर चर्चा नहीं हो रहा है पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिलोटीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोवें हैं, धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। थ्री में है, धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है। सत कथन को चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन डी होगा, एक दो और तीन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्ति करता है। दो में है, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें पद से हटा सकता है। थ्री में है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की करता है पर उसके पद पर विनियुक्त नहीं कर सकता है। फोर में है, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्त को क्रिया कार्यविधि तय करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य पूछ रहा है, तो आपको एक और चार सत्य होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका सी होगा, एक और चार आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, आपको सूची अनुच्छेद है, सूची वन में अनुच्छेद है और सूची टू में विषय वस्तु है और संबंधित गलत युग्म को चयन करना है। तो गलत युग्म को चयन करना है तो आपको इसका राइट होगा ऑप्शन ए, 243 का ये सीटों का आरक्षण, ये आपका गलत है क्योंकि 243 में परिभाषा है। इस प्रकार गलत पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, समृद्ध का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। टू में है, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद GDP में निरंतर वृद्धि है। असत कथन का चयन करना है, तो इसका असत कथन होगा राइट आंसर डी, ना तो एक है और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतमुखी व्यापार नीति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मत पर सर्वाधिक व्यय किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए, ग्रामीण विकास पर 2024-25 के तहत सर्वाधिक मत पर व्यय किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन हो जाएगा इसमें सी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। इस प्रकार आपका एक गलत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, मुद्रा अमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो मूल्य अमूल्यन के संबंध में देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर ए होगा। इस प्रक्रिया से मुद्रा अमूल्यन करने वाले देश का आयात कम और निर्यात बढ़ जाता है तथा निर्यात बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम इजकल टू ए बटे कुल जनसंख्या इजकल टू ए है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, राष्ट्रीय आय है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में किन्हें लाभ होगा? ए में लेनदार, दो में देनदार, थ्री में अस्थायी वेतन वालों को, फोर में पेंशन प्राप्त करने वाले को। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल लेनदार को लाभ होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, आपको इसमें मिलान करना है, तो इसमें हम देखेंगे ए में है भंडारी समिति, तो भंडारी समिति आपको किससे संबंधित है? तो जनसंख्या नीति से संबंधित है। बी में है स्वामी रंगनाथन समिति, तो स्वामी रंगनाथन समिति किससे संबंधित है? तो आपको आपका ए है भंडारी समिति, तो भंडारी समिति हो जाएगा आपको चार,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। बी में है स्वामी रंगनाथन समिति, तो स्वामी रंगनाथन समिति आपको हो गया थ्री जनसंख्या नीति से संबंधित है। सी में है रंगराजन समिति, रंगराजन समिति हर जगह दो भुगतान संतुलन से संबंधित है। और डी में है राजा चलैया समिति, तो वन हो जाएगा कर सुधार से। इस प्रकार मिलाएंगे तो एक का चार और बी का तीन और सी का दो और डी का वन होगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर आप देखेंगे, राइट आंसर आपका डी होगा। एक का चार, बी का तीन, सी का दो और डी का वन होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, समवर्ती सूची से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, चालू खाता के घटकों में शामिल है। ए में है वस्तुओं का आयात, दो में है सेवाओं में व्यापार, थ्री में है वस्तुओं का निर्यात, फोर में है उपहार, फाइव में है पेशित धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। एक दो तीन चार पाँच आपका घटकों में शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत है कि, संकेत है कि, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंकों महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ये आपका संकेत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको डी, रेपो दर कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ घोष ने भाग लिया। किसमें? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में, 1928 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, डुमराव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था 1920 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अभूही क्रम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? ए में है संथाल, दो में है सन्यासी, थ्री में है उरांव, फोर में है मुंडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीन, उरांव भाग लिए थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको 101 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। आपको सूची वन और सूची टू दिया गया है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है चेर विद्रोह, तो चेर विद्रोह कब हुआ था? तो आपको वन हो जाएगा, 1802 में हुआ था। दो में है कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह आपको 1831-32 में हुआ था। सी में है भूमिज विद्रोह, तो आपको तीन होगा, 1832-33 में हुआ था। डी में है संथाल विद्रोह, तो ये आपका फोर होगा, 1855-56 में हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक का ए, दो का बी, तीन का सी का तीन और डी का चार होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 102 देखेंगे, बिहार के चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक था। चौथा कृषि रोड मैप का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103। बिहार में ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1/20 भाग होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 हम देखेंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरदौसी संप्रदाय से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख तीन जिले कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी, झाझर कुंड जलप्रपात नालंदा आपको गलत होगा, क्योंकि झाझर जल कुंड जलप्रपात जो है आपको, ये आपको सासाराम रोहतास में है। इस प्रकार गलत पूछा है तो राइट आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। निम्न कथनों पर विचार करें। ये में है पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। दो में है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैप्स के मेयर थे। थ्री में है पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। फोर में है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। तो सत कथन का चयन करना है तो इसका मिलान करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सत है, सभी सत। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है। निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है बिहार में जूट तीन बड़े कारखाने पूर्णिया कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। दो में है बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। थ्री में है बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। फोर में है चीनी उत्पादन में बिहार देश का दूसरा स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, ए हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। बिहार के भौगोलिक संरचना मिट्टी प्रणालियों में बनी है। चट्टानी प्रणालियों और उसके विवरण को मिलान कीजिए। ए में है धारवाड़ शैल, तो धारवाड़ शैल हो जाएगा आपको 3। दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर जमुई नवादा अभ्रक के नीचे पाए जाते हैं। बी में है बिंद चट्टान, तो इसका हो जाएगा 4। दक्षिण पश्चिम बिहार कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाया जाता है। सी में है टर्सरी, तो टर्सरी का हो जाएगा आपको 1। बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। और डी में है क्वाटनरी, तो क्वाटनरी हो जाएगा आपको 2। गंगा का मैदान भाग में पाया जाता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी हो जाएगा, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। असत कथन को चयन करना है। ए में है सोहन शिशुओं की असत कथन को आपको चयन करना है, तो इसका असत कथन में आपको राइट होगा डी, चैता या फल्गु माह में गाए जाने वाला लोकगीत है। ये आपका गलत है, क्योंकि चैता या चैता माह में गाया जाने वाला लोकगीत है, ये आपका गलत पूछा है, तो राइट आंसर आपका डी होगा।
क्वेश्चन देखेंगे 111। विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में गुजरात सरकार ने यह विधेयक पारित किया है। दो में यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक है और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 हम देखेंगे। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है इसका आयोजन पर्यटक मंत्रालय द्वारा किया गया था। दो में इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। थ्री में इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सत्य है, इसका राइट आंसर आपका ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों की केंद्रीय बैंकों की संयुक्त सहयोग है। दो में यह सीमा पार से अंतर की वित्त पोषण से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका सत्य है। यह है भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों का संयुक्त सहयोग है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 हम देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान बन गया है। आपको भारत का कहता है कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला, राजस्थान बन गया है पहला राज्य, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 हम देखेंगे, तो 115 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बी में है, ए में है दिल्ली में आयोजित किया गया था। दो में यह आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो गलत पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दो, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्मार्ट एक्स क्या है? स्मार्ट एक्स क्या है आपको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीड कार रेसिंग इंधन है। स्टार एक्स क्या है? तो स्पीड कार रेसिंग है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी, 1933 है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। अमृत वृष्टि योजना का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। दो में है यह एक जमा योजना है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, उपरोक्त में से पूछता है कौन सा कथन आपको सत्य है? तो सत्य हम देखेंगे, इसका कौन सा कथन आपको सत्य होगा? तो इसका राइट आपको बी होगा, केवल दो आपका ओ आपका सत्य होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। दो में है सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सुरंग की लंबाई 10.8 किलोमीटर आपका ये गलत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 120 देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 121 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे।
कि कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ए में है, कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 22 सदस्य देश शामिल हैं। दो में है, भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की। उपरोक्त कथनों में से कौन कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपका गलत है। कोलंबो प्रक्रिया में इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। क्वेश्चन में 122 है, मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहां किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में किया गया था। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहां किया गया, तो ब्रिटेन में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका एमवी सी चेंज कहां लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में नियुक्त की गई है, लॉन्च की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में, जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दो में, भारत इस सूचकांक में 81वें स्थान पर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। अब देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो एक है और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 हम देखेंगे, भारत किस देश ने भारत में मंगोला बंदरगाह को के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया है? किस देश ने भारत को मंगोला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 है, लंबी दूरी के ग्लाइड बम एलआरजीबी गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, डीआरडीओ ने वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से अपना पहला सफल परीक्षण किया। दो में है, यह हवा से छोड़े जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। थ्री में है, इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने विकसित किया है। उपरोक्त कथनों में कौन कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको मिलाने पर सी होगा, आपका तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, इसरो और जापान अंतरिक्ष एजेंसी ने ओपोफिस सूक्ष्म ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की है। टू में है, अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक ACBEX सेबेक्स 2 चीनी सेना में शामिल किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ना तो एक है और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 128, विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईजी ऑफ बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, बांग्लादेश ने भारत के साथ अनुसंधान और संस्कृति क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की। दो में है, मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और उन्हें आश्रय स्थलों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सत्य में, तो आपको राइट होगा, देखेंगे हम, इसका हो जाएगा डी, ना तो आपका एक डी सही, ना तो एक सही है और ना ही दो सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
हम 131 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। दो में है, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान झारखंड में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा जारी किया जाता है। दो में है, IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। थ्री में है, मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को प्राप्त हुआ। फोर में, रिसर्च कैटेगरी के शीर्ष संस्थान IISc बेंगलोर बना है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो पूछा है सत्य कितने हैं, तो इसमें आपको देखना है कि सत्य कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, केवल तीन आपका सत्य है। कैटेगरी मैनेजमेंट कैटेगरी शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है, ये आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 हम देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान को चयन करें। तो आपको गलत मिलान को चयन करना है, तो इसका गलत हो जाएगा बी, झूमर नृत्य प्रदर्शन झारखंड, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये असम में प्रदर्शित किया जाता है, असम में, और गलत चयन है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, अंतर्दृष्टि बिल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अंतर्दृष्टि बिल डेबिट कार्ड आपको पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दो में है, इस सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टू डूस सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। असत कथन को चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 135 को देखेंगे। कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया है। दो में, विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां है। तीन में है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.01 गीगावाट की गई है। तो आपको इसमें चयन करना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको एक दो और तीन सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 136 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत का पहला राइस ATM कहां शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में शुरुआत किया गया है राइस ATM। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कार्य अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक निर्धारित की गई। दो में, इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ तक बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सत्य है। इस प्रकार असत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100, नेक्स्ट क्वेश्चन 138 हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, कल्पा स्वर्णा चावल की एक किस्म है। दो में है, नल गंगा वेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना गुजरात से संबंधित है। थ्री में है, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल MSP पर खरीदने की घोषणा की गई।
चारवें है, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इसका आपको देखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है, कल्पा स्वर्णा चावल की एक किस्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है, विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपड़ा मंत्रालय की पहल है विरासत प्रदर्शनी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए दो बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 हम देखेंगे। आपको यहां से मैथ और रीडिंग चालू होता है, इसे आप स्वयं बना लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 141, इसका राइट आंसर आपको सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, इसका राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, उसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, इसका राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, इसका राइट आंसर आपको बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 150 है, इसका राइट आंसर आपको डी होगा। दोस्तों, इस प्रकार एडुटेरिया का अंतिम प्रहार बुक का पहला सेट यहीं पर समाप्त होता है। कुछ ही देरी में सेकंड सेट नंबर आपको आएगा, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।